यूपी के अलीगढ़ थाना सिविल लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पर सोमवार को सख्त अफरा तफरी मच गई, जब वहां मौजूद महिला ने केरोसिन डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बड़ी ही जद्दोजहद के बाद महिला से केरोसिन की बोतल छीनी और हाथों को पकड़कर बामुश्किल बेंच पर बैठाया। इस दौरान महिला चीखती पुकारती रही। महिला का आरोप है कि उससे झूठ बोलकर उसकी शादी करा दी गई। बिना तलाक के दो बच्चों के बाप से उसकी शादी कराई गई है। इसकी जानकारी मिलने के बाद जब विरोध किया गया तो घर से बेघर करने का आरोप लगाया। एसपी ट्रैफिक सतीश चंद्र ने बताया कि महिला का नाम आयशा खान है, जो कि हापुड़ की रहने वाली है, जिसकी शादी बीते वर्ष अक्टूबर 2020 में सासनी क्षेत्र के एक परिवार में हुई थी। महिला को उसके पति ने अपने साथ न रखकर बहनों के साथ छोड़ दिया है। महिला ने 22 जून 2021 को परिवार में डिस्ट्रीब्यूट होने का पहला प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद से ही कार्यवाही जारी है और आज यह घटना सामने आई है। फिलहाल पीड़ित आयशा बदहवास स्थिति में है। अलीगढ़ से खबर तहकीकात के लिए शहजी अब्बास की रिपोर्ट। ये आयशा खान है, आयशा खान डॉटर ऑफ मेहताब खान, ये हापुड़ की रहने वाली हैं। इन्होंने अभी पिछले साल दो अक्टूबर में अपनी एक दूसरी शादी की थी यहाँ अलीगढ़ शहर में सासनी गेट के सामने। अब ये इनमें वैचारिक नाचपाकी हो गई है अपने पति के साथ। इनका कहना यह है कि पति उन्हें अपने घर रखने के बजाय अपनी बहन के यहाँ रख रहा था और उसका बहन इसका जो पति का बहनोई है उसने कुछ छेड़छाड़ की कोशिश की थी और इनका मीडिएशन का केस चल रहा है। हमारे यहाँ 22 जून 2021 को प्रार्थना पत्र पहला इनका मिला था, तो उसमें हम लोगों को हाईकोर्ट की डायरेक्शन दी है कि मैरिज वाले केसेस में पहले काउंसलिंग की जाए और अगर काउंसलिंग के बाद केस नहीं सुलझता है तब फिर FIR की कार्रवाई उसमें की जाए। तो उसी क्रम में इनकी काउंसलिंग महिला थाना इंस्पेक्टर करवा रही थी। आज ये कुछ परेशान की हालत में पुलिस ऑफिस में आई और जैसा बता रहे हैं लोग, आप भी बता रहे हो, कि उन्होंने मिट्टी तेल अपने शरीर पे डाला। हमारे पुलिसकर्मी सब लोग यहाँ थे, महिला पुलिस हमारी थी यहाँ, तो वो लोग ले आए मेरे पास और हमने उनको उनसे बात की है ऐसा से, तो वो थोड़ा सा डिप्रेशन में है, रो रही है डिप्रेशन में। हमने उसको समझाया है, उसकी काउंसलिंग की है और उससे पूछा है कि तुम बताओ, तो वो कह रही कि हमें अब नहीं जाना है वहाँ। तो हम उनसे दोबारा अप्लीकेशन लेके और फिर हम उनकी FIR लिखवाने जा रहे हैं और जिन लोगों के खिलाफ FIR लिखवा रही है हम उनके खिलाफ घोषणा करके और जल्दी जल्दी कार्रवाई होगी। हेल्दी विंग हॉस्पिटल, हमारे यहाँ पर टूटी हड्डी व जोड़ों का इलाज किया जाता है। कमर, रीढ़ में दर्द व पुराने गठिये रोग का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा व महीने के पहले सोमवार को फ्री OPD की भी सुविधा, साथ ही स्त्रियों के सभी प्रकार के रोगों का इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है BN कॉम्प्लेक्स, मोतीबाग रोड, बुलंदशहर।